हेलो दोस्तों, हाँ हाँ मैंने वीडियो बना लिया है। हाँ मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ और मैं यूट्यूब पर डालूंगा ये वीडियो, क्योंकि माहौल बनाना थोड़ा जरूरी है और वो माहौल है। हेलो गाइस, व्हाट्स अप। अब आप लोग बोलोगे इसको हमेशा साथ में लेके घूमता रहता है भाई, और क्या करूँ यार। अच्छा तो हम लोग अभी हैं इन्फिनिटी मॉल मलाड में, और यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, हमारा एक फ्रेंड है अंकित, जिससे मैंने आपको मिलवाया था लास्ट वीडियो में, जो कि एनिमे टीएम का ही एक मेंबर है, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। तो वो मुंबई आ गए हैं क्योंकि उनके साथ हम लोग ये फर्स्ट फ्लोर पे, भाई अपर ग्राउंड पे, वो नीचे ऊपर आएगा ना तो उसको ऊपर आना पड़ेगा। तो वो भाई यहाँ पे है और आज है उसका बर्थडे, और हम लोग साथ में जाने वाले हैं 7 तारीख को नागपुर, क्योंकि 8 को एक इवेंट है कॉस्कॉन का, तो उसमें हमें बुलाया गया। हाँ बुलाया गया। आज उनका बर्थडे है तो यहीं पे कुछ खाना पीना कुछ करेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग परसों साथ में जाएंगे, तो वो व्लॉग भी मैं बनाऊंगा, कोशिश करूंगा, क्योंकि यार उसके अलावा मैं और कोई वीडियो बनाता नहीं हूँ। मैं जो भी बनाता हूँ सिर्फ अपना, मतलब कहीं जा रहा हूँ किसी इवेंट में या जो भी है, डेली व्लॉगिंग नहीं हो पाती यार, क्योंकि ना जो हमारा फील्ड है उसमें पॉसिबल ही नहीं है डेली व्लॉगिंग करना, वो आप भी जानते हो। हम स्टूडियो में इतना कॉन्फिडेंशियल होता है सब कुछ कि हम वीडियो नहीं बना सकते, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कोई इवेंट हो या कुछ स्पेशल ओकेजन हो तभी मैं वीडियो बनाऊँ, वरना फिर मज़ा नहीं आता यार वीडियो बनाने का। तो हम लोग अभी पहुंचे हैं यहाँ पे, मुझे सडनली याद आया, मैंने कहा यार कि क्यों ना हम वीडियो बनाएं, क्यों नहीं बना रहा मैं वीडियो, बना सकता हूँ, मुझे मोटिवेट किया करो यार आप। अभी वेट कर रहे हैं भाई अंकित का, देखते हो आ गया नीचे, ये वो ऊपर आ रहा है और यहीं से आएगा ना ऊपर तो। हाँ यहीं से आएगा, कोई और वो तो नहीं है। अभी चलो दिखाते हैं आपको, यहीं से आएगा भाई, यहाँ से ना ये धीरे धीरे ऐसे ऊपर चढ़ता चढ़ता आएगा वो। हाँ तो गाइज मैं ये कह रहा था कि आप स्टूडियो में ना, मतलब फोन वगैरह ले जाना जो है वो भी काफी मतलब स्ट्रिक्ट हो गया है, आप फोन जो है पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर आपको घर से रास्ता देखना है और रास्ते से घर देखना है तो हम दिखा सकते हैं, तो दिखा सकते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। हाँ मुझे ये बताओ कि आप लोगों में से कौन कौन एल्यूसिव सामुराई सीरीज देख रहा है। हाँ उसके अंदर एक सरप्राइज है, उसके अंदर भी मैं जिस कैरेक्टर को डब कर रहा हूँ, मुझे बाद में पता चला कि उस कैरेक्टर की जो जापानीज ओरिजिनल वॉइस है वो वही वॉइस है जिन्होंने सातोरू कोजो को जापानीज में वॉइस दी है, और हिंदी में मैं इस सीरीज में भी उसे वॉइस दे रहा हूँ, और जो कि मतलब सोची समझी कोई बात नहीं है, ये किस्मत से ही ऐसा हुआ है, तो ये यूनिवर्स है, और क्या ही बोलूं यार मैं इसको। कहाँ रह गया यार वो, आया नहीं अभी तक। तो वो ना एल्यूसिव सामुराई एक सीरीज है, तो देखो उसको। मेरे कैरेक्टर का नाम है योरीशिगे। ए भाई जा रहा है अंकित को लेने, और यहाँ से ऊपर आएगा। आज मॉल बड़ा खाली है यार, आज है वेंसडे है आज, तो भाई भरत मिलाप हो गया है, लोग मिल गए हैं, और वो देखो वो आएंगे, ये रहे दोनों। अरे भाई की शक्ल देख के आप पहचान जाओगे कि ये वही बंदा है। मुझे शाम को पता चला कि इसका बर्थडे मुझे अदनान ने बताया, और मैं सुबह से इससे बात कर रहा था, मैंने सुबह तक विश नहीं किया था, विश करूंगा मेरे भाई, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाई। मैंने सोचो, मैं मजे वाली बात बताऊं, लास्ट मैंने जो वीडियो बनाया था वो आपके साथ ही बनाया था। नहीं उसके बाद नहीं बनाया। नहीं वो उड़ीसा वाले के बाद मैंने कहाँ बनाया वीडियो, समझ लगा। अरे बैठे बैठे अभी बनाना शुरू किया मैंने, अभी जस्ट अभी है ना अदनान। यस अभी किया ना, कह रहा था एक और एक्साइटमेंट है, क्या एलुसिव समुराई है ना एनिमे, तो उसी के अंदर, अरे सॉरी एलुसिव समुराई के अंदर एक और है, अभी एपिसोड 7 में आएगा, तो कुछ पता चले तो बताना। अच्छा हो गया, और उसके अभी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो भी बात नहीं बताओ। एपिसोड 7 रिलीज होने के बाद ही डालू फिर ये वीडियो, और क्या। चलो बता ही देता हूँ, अगर डालोगे बाद में, तो फुकू के नाम का कैरेक्टर आया, वो मैंने डब किया है, और वो पहले जो उसका वॉइस एक्टर था शायद से उसने डेंजी को डब किया हुआ पहले, तो एक कनेक्शन देखो। तो अंकित भाई का बर्थडे है, और ये देखो ये काला जादू गिफ्ट है। रुक जाओ। थैंक यू सो मच। देखो भाई देखो,
भाई ड्रम रोल्स प्लीज। ये 3 लाख रुपए की घड़ी है। मैंने अपनी लाइफ की सारी अर्निंग्स जो है वो सब मिला के मैंने ये घड़ी खरीदी है। ये स्पेशल एडिशन है, शाहरुख खान ने अपने बेटे के लिए बनवाई थी और मैंने वहीं से उठाई है भाई। क्या बात है, ग्रीन। ये पहन के आप मिलिट्री में भी जा सकते हो अगर चाहो तो। जा रहे हैं फूड कोर्ट में क्योंकि अब लग रही है भूख। रात के बज रहे हैं 9:15 और इतनी जल्दी भूख लगनी नहीं चाहिए, लेकिन लंच बहुत जल्दी कर लिया था इसलिए आई लेते हैं यार। बर्थडे अगले का पार्टी दे रहा है, पार्टी लेने के लिए तो हम कभी पीछे नहीं हटते, भूख भी लग जाती है। तो भाई मैं बैठा हूँ यहाँ पे फूड कोर्ट में, हम लोग आ गए और अदनान और अंकित गए हैं खाना देखने के लिए भी क्या खाया जाए, क्योंकि मैं मतलब संभल कर डिसाइड कर रहा हूँ। क्योंकि ना मैंने अभी कुछ दिन पहले अपना फुल बॉडी चेकअप करवाया था, तो एक तो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या ना खाना पीना यहाँ ठीक से हो नहीं पाता है और कुछ विटामिन वगैरह की भी कमी आई है। तो अब मैंने उनको बोला है कि यार देख लो, क्योंकि ये जगह मैं रुक के बैठा हूँ, ये वाली यार लंबी सीट वाली ना सही रहती है बैठने के लिए, तो मैं बैठा हूँ यहाँ, तो वो देखने गए हैं। तो मैंने उनको बोल दिया है कि कुछ तला हुआ ना हो, बस फ्राइड ना हो, बाकी कुछ भी चलेगा। गए हैं देखने के लिए, देखते हैं क्या होता है। नहीं तो यहाँ पे पिज्ज़ा हट है, अगर कुछ नहीं मिला तो हम पिज्ज़ा हट में जाके बैठ जाएंगे। मुझे भी लो हाँ खाना हमारा हो गया है, और मैंने खाना खाते खाते वीडियो नहीं बनाया क्योंकि लोग बोलते हैं कि खाना खाते हुए ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। मतलब बातें तो हम कर ही रहे थे, लेकिन खाना खाते हुए पता नहीं मुझे क्यों अजीब लगता है वीडियो बनाना। तो हाँ जी हमने नहीं बनाया अभी, हम पेट भर के और थोड़ा सा ये देखो भाई गेम चल रहा है। तो वॉशरूम ढूंढ रहे हैं यार, हाथ वूथ धो रहे हैं, थोड़ा सुसू करना है, यहीं कहीं है ये रहा, सुसु करने की जगह मिल गई है भैया, हम करेंगे सुसु। भाई ये तो ज्यादा हो रहा है। भाई वो अकेला है, उसकी फट रही है। भाई 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 ये मॉल इतना खाली मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी 10:15 हुए हैं और ऑलमोस्ट पूरा मॉल जो है वो खाली हो चुका है। अरे मलाड का मलाड वेस्ट में इन्फिनिटी मॉल है वो, हम लोग यहाँ बहुत आते हैं, मैं कई बार नूनू को लेके आता हूँ, अपनी भाभी को लेके आता हूँ यहाँ पे, लेकिन इतना खाली भाई कभी नहीं देखा एकदम, ये तो वैसे वाला सीन है। हम लोग ने काफ़ी देर बैठे यहाँ बातें बातें की हैं, अब जा रहे हैं घर की तरफ। अच्छा रहा बर्थडे पार्टी के नाम पे सेलिब्रेशन हो गया, एक मीटअप हो गया छोटा सा, और अब हम जब नागपुर जाएंगे तो साथ में जाएंगे। और भाई मज़े वाली बात है, हम ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन से, क्योंकि वो फ्लाइट से टिकट करवा रहे थे, बट मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ फ्लाइट में पता नहीं क्यों मुझे अब कम्फर्टेबल नहीं लगता यार, और छोटी फ्लाइट्स में बिल्कुल भी नहीं लगता, थोड़ा हो जाता है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करना चाहता फ्लाइट में ट्रैवल अननेसेसरी। ट्रेन में मज़ा भी आता है, बातें करते हुए जाते हैं भाई, थोड़े बकलोलियाँ करते हुए जाते हैं अपनी अपनी। तो हम तीनों जाएंगे भाई साथ में, मैं अदनान और अंकित। चलो आगे मिलते हैं मेट्रो मेट्रो में, कटवाई रहा हूँ क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग अब शुरू की है। तो मैं अपडेट ये दे रहा था कि हम रिक्शा में जा रहे हैं, मेट्रो से नहीं जा रहे, क्योंकि रिक्शा से भी लगभग उतना टाइम लगेगा क्योंकि अब ट्रैफिक नहीं है। अगर रिक्शा वाले मान गए तो ही, ये बात मैं पहले पूरी बोल चुका था लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग शुरू नहीं की थी। अभी टास्क है रिक्शा वालों को मनाना कि भाई हमें जहाँ जाना है वहाँ चलो, चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मैं बैठा हूँ तुम्हारे साथ उस तरफ, चलो तुम्हें रिक्शा पकड़ना आना चाहिए। अरे भाई अरे यार तुम देखो, खैर सुनो एक मिनट रुको रुको, रिक्शा बैठ के बताना। ओशिवारा पाटलिपुत्र, ओशिवारा पाटलिपुत्र, चलो पुत्र पाटलिपुत्र। समझो इशारे, तो भाई हम लोग पहुंच गए थे अदनान के घर, वहां से मैंने अपना हेलमेट बाइक की चाबी ले लिया है, और अंकित अभी थोड़ी देर अदनान के घर ही बैठेगा, फिर वहां से वो इस होटल में रुका हुआ है वहां चला जाएगा। मैं जा रहा हूं अपने घर, मैं अपनी बाइक पे।
तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा और क्या ही बनाऊँ भाई। ये सिर्फ 3 घंटे की ब्लॉगिंग है, उसमें इतना ही बनेगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जल्दी आ जाएगा क्योंकि मैं नागपुर जाऊँगा उस क्रॉसकॉन कॉस्प्ले इवेंट में, एनिमे इवेंट में, तो जो कि करवा रहा है नागपुर एनिमे क्लब। तो वो पूरा मैं कवर करूँगा अपने वीडियो में और उसमें आप लोग देख लेंगे तो एंजॉय करेंगे काफ़ी। चलो मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।